बीएस क्राइम इंडिया न्यूज आपके सामने पेश कर रहा है भंडारा क्राइम वारदात। हर जुर्म से हम आपको कराएंगे अवगत आपके अपने चैनल पर रोजाना शाम 7 बजे, तो देखना ना भूलिए क्राइम वारदात। कादा पुलिस ने बिना लाइसेंस रेत परिवहन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की। कन्हल गांव में वैनगंगा नदी के तट से रेत ट्रक में ओवरलोड कर ले जाया जा रहा था। इस ट्रक को कादा पुलिस ने मांडवी रोड पर पकड़ा। रेत का लाइसेंस मांगे जाने पर नहीं बताया। 10,35,000 कीमत की 7 ब्रास रेत समेत ट्रक को जब्त कर लिया गया। सड़क पार करते समय तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक को टक्कर मार दी। इसमें बाइक सवार गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल का नाम आदर्श नगर लाखनी निवासी विवेक रामदास सेलोकर, उम्र 59 वर्ष है। लाखनी पुलिस ने शिकायत के आधार पर मामला दर्ज किया है। भंडारा जिले में 2 लोगों की अचानक मौत हो गई। अम्बेडकर वार्ड मुजबी निवासी अभय प्रहलाद मेश्राम, उम्र 39 वर्ष, हाथ पैर धोते वक्त अचानक सीने में दर्द होने के कारण इलाज के लिए भर्ती कराया गया था। उनकी मृत्यु हो गई। मोहाड़ी पुलिस ने मामला दर्ज किया है। गड़े गांव में सड़क के किनारे खड़ी एक सीबी शाहीन काली मोटरसाइकिल को अज्ञात चोर द्वारा लूटने की घटना सामने आई। मुरमाडी निवासी राजू तीमा बुराड़े, उम्र 43 वर्ष है। मोटरसाइकिल का पता नहीं चलने पर अज्ञात चोर के खिलाफ बाइक चोरी की शिकायत लाखनी थाने में दी। पुलिस ने चोर के खिलाफ मामला दर्ज किया है। वन्य प्राणियों से खेत फसलों को क्षति रोकने सहित शिकार के लिए अज्ञातों ने खेत परिसर के जमीन पर रखे एक बारूद के गोले को हाथ में पकड़ते ही विस्फोट होकर चरवा गंभीर रूप से जख्मी होने की घटना हुई। इस घटना में पीपलगांव निवासी अशोक विश्वनाथ कोरडे, उम्र 45 वर्ष नामक चरवा गंभीर रूप से जख्मी हुआ। दोपहर के दौरान अवैध रूप से मुर्गा बाजार का आयोजन कर पैसों के हार जीत की बाजी लगाने की गुप्त जानकारी पुलिस को दी गई, जिसके आधार पर पुलिस कर्मियों ने मुर्गा बाजार पर छापा मारकर कुल 10,030 रुपयों का माल जब्त कर 5 आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। उक्त कार्रवाई लाखानपुर पुलिस ने सावरगांव खेत क्षेत्र में की है। देवरी तहसील के चीजगढ़ से काकोड़ी रोड पर एक युवक नशे की हालत में दोपहिया वाहन चलाते समय नियंत्रण खो बैठा, जिसमें उसकी मृत्यु हो गई। मृतक का नाम धवलखेड़ी निवासी भोजराज चतुर सिंह बगचोरिया, उम्र 25 वर्ष बताया गया है। फिरियादी की शिकायत पर चीजगढ़ पुलिस ने आकस्मिक मृत्यु का मामला दर्ज किया है। भंडारा गोंदिया जिला वासियों के लिए खुशखबर है, अब आपका मनपसंद चैनल बीएस क्राइम इंडिया न्यूज अब आपके केबल नेटवर्क पर, जी हां, अपने केबल नेटवर्क के एशियन चैनल नंबर 13 पर उपलब्ध है। बीएस क्राइम इंडिया न्यूज पर खेल, राजनीति, क्राइम, साहित्य व अन्य खबरें प्रकाशित की जाती है। हमारे साथ जुड़ने के लिए तथा हमारे चैनल में खबरें, विज्ञापन आदि के लिए संपर्क करें 8669151757 पर।